हेलो दोस्तों, नन्हे दोस्तों, कैसे हो? मेरा पिछला हफ्ता थोड़ा सा गड़बड़ गया। अभी मैं देखो फिर से नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ। तो थोड़ा सा पूरा पिछले हफ्ते मैं जो जो भी ये मैं रिकॉर्डिंग किया था वो थोड़ा अजीबोगरीब समय पे मैंने अपलोड किया है, और आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा आगे समय को लाने की कोशिश की हूँ ताकि आप लोग भी आज थोड़ा सा अच्छे से मस्ती कर पाओ। तो इस हिसाब से मैंने आज इसको बना रही हूँ, लेकिन आज भी देर हुई है। तो नन्हे दोस्तों, और जो लोग रूपकथाओं की कहानी को प्यार करते हो, जो और करते हैं, जो लोग मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे, उनको पहले से ही धन्यवाद मैं देती हूँ कि आप लोग इंतज़ार किए इतने देर तक। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम बालकन पेनिनसुला, जो इससे पहले हम लोगों ने सुने थे कि, तो उस पेनिनसुला का जो रूपकथाएँ हैं वहाँ से और एक रूपकथा की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एक कहानी पढ़े थे, उस कहानी का नाम था मतलब कम चाहता है तो ज़्यादा मिलता है, इस शीर्षक में एक कहानी थी। और आज हम लोग जो कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, बांग्ला में नाम है भागीदार भूत। और ये कहानी हम लोग लिए हैं राज्य रूपकथा, शौरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय इनका लिखा हुआ किताब से। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। भागीदार भूत, अगर मैं इसको थोड़ा सा हिंदी के जैसे मैं अगर प्रोनाउंस करूँ तो ऐसे होगा, भागीदार भूत। तो भागीदार बोले तो आप अगर कुछ काम कर रहे हो, कोई अगर आपका पार्टनर होता है तो इसका मतलब पार्टनर घोस्ट, अगर अंग्रेजी में इसका हम नाम को ट्रांसलेट करें तो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखो एक बंदा है जो नॉर्मल टोपा वोपा पहन के है, इस तस्वीर में वैसे ही दिख रहा है ना, और एक है जो हवा के साथ टहलता हुआ ऐसा लग रहा है। तो जैसे यही शायद ये भूत वाला जो किरदार है, जो पार्टनर है, उस किरदार को ये शो करवा रहा है। तो चलिए हम चलते हैं। एक दुखियारी किसान था, वो एक दिन बाजार जा रहा था। तो रास्ते से जब जा रहा था तो वो बाजार वाले जब जा रहा बाजार का जो रास्ता है वो एक कब्रिस्तान के बगल से गुजरता है। तो मतलब अब वो जब बाजार जा रहा था तो उसने क्या देखा, एक साहूकार बहुत ही कीमती सारे कपड़े वपड़े पहन के वो उस कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र को अपने हाथ में जो लठ था ना उससे अच्छे से पीट रहा है, और इतने ज़ोर से दम दमा दम पीट रहा था कि जो कब्र की जो मिट्टी है ना वो इधर उधर पूरा छिटक छिटक के आ रहा था, खुदा मतलब पूरा फैल रहा था चारों तरफ। तो हमारे जो किसान है ना, इसको बहुत ख़राब लगा, इसको लगा अरे यार ये क्या कर रहा है। तो वो धीरे से आया, लेकिन अब ये जो बंदा है वो उम्र में उस साहूकार से कम था, तो वो धीरे से आके पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, और किसी के कब्र की जो मिट्टी है उसको अगर आप ऐसे ही फेंक रहे हो उठा के, तो जिनका ये कब्र है ये तो उसको कष्ट देना हो गया, और जो मर गया है उसके ऊपर ये कष्ट देने की क्या मतलब है। ये बात सुन के साहूकार वो किसान की तरफ देखा, और देख के ही वो कहने लगे, मेरी मेरी इच्छा है भाई, मैं कब्र में लठ मारूं या क्या करूं, इसके लिए तुम खबरदारी करने वाला कौन हो हैं? क्योंकि उसने देख लिया था कि ये जो है किसान ये तो छोटा है मुझसे उम्र में। तो वो कहने लगा, नहीं नहीं मैं खबरदारी करने के लिए नहीं आई, मैं ऐसे ही कह रही थी क्योंकि जो मर गए हैं, जो गुजर गए हैं, उनको कष्ट देना सही नहीं होता है ना। तो साहूकार बोले, तुम्हें पता है ये जिसका कब्र है ना, ये बहुत ही बदमाश था। ये सिर्फ बदमाश नहीं, इससे ज्यादा ठग और कुछ कोई हो ही नहीं सकता। जब जिंदा था मुझसे 20 रुपए उधार लिया था, और फिर एक भी पैसा मुझे वापस नहीं किया, और वापस ना करके ही ये मर गया। पता है मेरा पूरा जो पैसा है पूरा अपने आप ही गबन कर लिया, अब वो पैसा तो मैं उधार कर नहीं सकती हूँ। अच्छा बच्चों, ये जिस समय की बात है तब 20 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो अब मुझे तो वो पैसा मिलेगा नहीं कभी वापस, तो इसीलिए मैं अपना जो गुस्सा है ना
चलो खैर, मैं इसके कबर को ही ऐसे पीट पीट के निकाल रही हूँ। इसका ये जो इसके कबर में जो इसकी हड्डी है ना, उसको तोड़ के मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो अब समझ में आया मैं क्यों लठ मार रहा हूँ इसके कबर के ऊपर। तो किसान सोचा कि यार ये सही नहीं है, कोई मर गया है उसको तो अब तो छोड़ दो। तो वो बोले, देखिए मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, लेकिन मैं कभी भी मिथ्या भाषण नहीं किया है। तो मैं आपको एक अपना जुबान दे रही हूँ कि 1 महीने के अंदर मैं आपका वो जो 20 रुपये है मैं आपको वापस कर दूँगा। लेकिन आपको मैं दुहाई दे रहा हूँ कि आप इस मृत इंसान को और मत मारिए, मरे हुए को और मत मारिए, इसकी जो कब्र है इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो किसान की बात सुन के जो साहूकार है वो चुप होके सोचने लगा, यार अगर मुझे वापस मिल ही रहा है पैसा तो मैं क्यों लठ मार मार के अपना हाथ को व्यस्त करूं, क्यों अपने हाथों में दर्द लाऊं। तो उसने बोला, ठीक है तुम जो कह रहे हो मुझे लग रहा है तुम्हारे कहने से कि तुम एक अच्छा इंसान ही हो। अच्छा, इस तस्वीर में कुछ निकल रहा है, कवर, ये शायद कवर है और ये वो हमारे किसान है, पता नहीं ये क्या है, चलो देखते हैं। तो जो हमारी जो साहूकार है उसने बोला कि तुम्हें तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम अच्छे इंसान हो, तो एक काम करते हैं, तुम्हारे बातों से मैं प्रभावित हुआ हूँ और मैं इस कबर को पीटना बंद कर रहा हूँ। लेकिन देख लो अच्छे से, 1 महीने के अंदर, और 1 महीने ये जो महीना चल रहा है इसका आखिरी तारीख तक अगर तुम मुझे पैसा वापस नहीं करोगे तो तब मैं अपने मन का जितना भी भड़ास है मैं ये इस कबर के ऊपर ही सारे निकालूंगा। तो किसान ने बोला, ठीक है जी, आप जैसे कह रहे हो मैं आपको पैसा वापस करूँगा, रुपए वापस करूँगा। तो और मेरा ये बात बात मैं पक्का है ये मान लीजिए। तो लट लेके वो साहूकार तो चला गया। और ये जो किसान है ये तब अच्छे से, लेकिन देखो ये तब अच्छे से उस कब्र का जो मिट्टी है वो अच्छे से उसको ढक दिया, अच्छे से करके ठीक ठाक करके वो निकल के आ गया कब्रिस्तान से। तो जहाँ तक वो कब्रिस्तान से बाहर निकलने जा रहा था तो उसने क्या देखा, वो जो कब्र का जो मिट्टी है ना उसको फाड़ के चीर के कुछ एक निकल के आ गया। और क्या निकल के आ गया, ये भूत आ गया। तो हमारी जो किसान है वो तो डर गया, डरने की बात है, लेकिन वो तो दिन था ना और रात तो नहीं, अब दिन के उजाले में थोड़े ना भूत किसी का मुंडी तोड़ता है। तो उसने थोड़ा सा साहस, थोड़ा सा हिम्मत जुटा के बोला, तुम कौन हो? तो भूत ने बोला, वो तुम जिसके कब्र को साहूकार के लाठी से तुम बचा रहे थे और जो उसका जो उधार है बिना बिना चुका के मर गया था वही हूं मैं। तो किसान ने बोला, अच्छा भाई, वो सोचा भी कि भाई तब ये सही में भूत है। और भूत तब तक कहने लगा, उसके पास से मैंने 20 रुपये उधार लिया था, लेकिन बहुत ही बहुत ही कठिनाई में ऐसे एक परिस्थिति हो गया था कि मुझे लेना ही पड़ा। और जितने दिन मैं जीता रहा हर दिन वो मुझे बोलता ही रहा, मेरा 20 रुपये वापस करो, मेरा 20 रुपये वापस करो। अब मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था तो तब भी वो मुझे नहीं छोड़ा। अब जब मैं मर गया हूँ और कब्र के अंदर चला गया हूँ तब भी वो मेरा जो हड्डियाँ हैं उसको खोज खोज के निकाल के, उसको तोड़ के अपना जो गुस्सा है वो निकालने की कोशिश निकालने के लिए आया था। अब लोग कहते हैं, ये एक बांग्ला प्रोवर्ब है, मैं वैसे ही बोलती हूँ, कि मरार उपर खाड़ार घा, मतलब मरे को मारना। तो अब जब मैं जिंदा था तब अगर मैं मुझे कोई मारता तो चोट लगता, अब वो जो चोट है उसका तो तब दवा दारू भी हो सकता था, लेकिन अब तो मैं मर गया हूँ, अब लटके आघात से अगर मेरी हड्डियाँ टूटता भी है तो कौन उसका कोई दवा दारू करेगा और कौन देखने आएगा? लेकिन तुम भैया, तुम
तुम आज मुझे सच में बचा दिए हो। मेरे शरीर के जो देहावशेष हैं उसको बहुत अच्छे से तुमने देखभाल किया है, तो मैं तुम्हारा जो ऋण है उसको मैं शोध करना चाहती हूँ, परिशोध करना चाहती हूँ चाहता हूँ। तो किसान ने बोला, देखो तुम तो जिंदा रहते उसका जो उधार है वो तुम चुका नहीं पाए, अब तुम तो मर गए हो, अब तुम मेरा उधार कैसे चुकता करोगे, मेरा जो ऋण है तुम जो सोच रहे हो वो कैसे तुम चुकता करोगे, बताओ तो ज़रा। और वैसे भी एक बात आप जान लो, मैं तो किसी भी चीज़ का मतलब कोई भी आशा करके मैंने आपके ऊपर जो साहूकार का जो उधार है उसको मैं चुकता करूँगा, ऐसा नहीं बोला। तो भूत ने बोला, देखिए जब मैं ज़िंदा था तो मेरे पास जो भी क्षमता था उससे कई ज़्यादा क्षमता आज मेरे पास है, और जो चीज़ मैं ज़िंदा होके अगर ऐसे मैं बोलना चाहूँ तो ऐसे मैं कह सकता हूँ कि अब ये जो लोक है, जो तुम लोगों का ये जो जीव लोक है, जीवित इंसानों का जो लोक है, इसका कितना भी खबर हम लोग जिंदा रहते रख पाते थे, लेकिन मरने के बाद जीवित लोक और ये जो परलोक है इन दोनों लोकों का खबर मेरे पास है, संपूर्ण खबर, और उसके एवज में मैं ऐसा बहुत कुछ कर सकता हूँ, और मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ ताकि आप लखपति बन जाओ और तुम्हारे पास कोई भी दुख या कोई भी मुसीबत ना रहे। तो किसान ने बोला, लेकिन तुम करोगे कैसे वो तो बताओ। तो इसने बोला, भूत ने, अच्छा सुनो, तब तुम्हारे साथ हम 50-50 शेयर में एक बिजनेस करेंगे, है ना, एक व्यवसाय करेंगे, और वो भी हम शहर में जाके, और तब देखना क्या होता है। तो ये बात सुन के अब भूत तो उसको लेके चला, वो तो जा रहा था गांव के मार्केट में, बाज़ार में, लेकिन वो उसका सारे जो खेत के जो भी सारे सामान था उसको पूरा लेके उड़ा के उसको लेके चला गया शहर में। अब शहर में जाके भूत तो एक बहुत बड़ा व्यवसाय, मतलब कारोबार डाल दिया, और ऐसा कारोबार उसने लगाया बैठाया कि उसके तेवर से पूरे शहर के और जितने सारे कारोबारी थे उनके सर पे हाथ आ गया, भाई ये इतना अच्छा कारोबार करता है। तो इसीलिए चाशा और भूत, मतलब किसान और भूत कंपनी एकदम मतलब मुनाफे में लाल हो गए। अब 6 महीने में वो लोग खूब सारा धन कमाए और उसके साथ साथ नाम भी कमाए। अब एक दिन किसान बोला, अब क्या इच्छा हो रहा है पता है? बोले क्या के? तब किसान ने बोला, मुझे ना एक सुंदर सी लड़की देखे उसके साथ शादी करना है, और ताकि मेरा घर संसार हो, मेरे बच्चे हों, और मैं सुख से शांति से अपना संसार कर पाऊँ, बसा पाऊँ। तो तब भूत ने कहा, ये और क्या बड़ी बात है, अच्छी बात है, चलो। तो उस शहर में एक बहुत ही अमीर इंसान थे जिसके पास एक बहुत ही सुंदर एक कन्या थी, और उस कन्या की शादी वो उनके पिता देना चाह रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि बार बार हर रोज़ उसकी शादी करवाया जाए बहुत धूमधाम से, जब सुहाग रात मनाने दोनों चले, लेकिन दूसरे दिन उसकी जो दूल्हा है वो जीवित वापस नहीं आ पाता, और ये जो लड़की है, ये जो कन्या है, ये चुप होके निर्विकार होके बैठा रहे। तो ये खबर भी सबके पास है, लेकिन लड़की के पिता के पास खूब सारा पैसा है ना, तो इसीलिए क्या हुआ, लड़कों का तो लाइन लगा रहा, जब भले चाहे वो एक रात में ही वो मर रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़के उसी लड़की से शादी करने के लिए आते रह रहे हैं। तो इसी लाइन में हमारे जो किसान हैं वो भी आ गया। अब किसान और भूत कंपनी का तो नाम पूरा शहर जानता था, वो बहुत नाम और शोहरत और धन संपत्ति कमा चुके थे, तो इसीलिए वो जब आके बोले कि भाई हम आपके बेटी से शादी करना चाहते हैं, तो ये जो हमारे जो
बहुत ही धनी जो व्यक्ति है, इसने क्या कहा? इसने कहा कि भाई तुम जानते हो ना, तुम किस साहस से मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहते हो? तुम जानते हो ना कि जो जो भी दूल्हा है वो एक दिन के बाद ही मर जाते हैं। तो ये सुन के तो वो बोले, हाँ मैं जानता हूँ, आप कुछ चिंता मत कीजिए। तो वो जो पिता है लड़की के पिता, वो बहुत ही दुखी मन से बोले, अगर तुम सच में अपना गर्दन देना चाह रहे हो ओ हलाल हलाल करने के लिए, हलाल होने के लिए, तो चलो भाई। तो अब शाम के समय में कन्यादान हो गई, बहुत बाजा बैंड बाजा बराती सब कुछ हो गया, बहुत धूमधाम से शादी हो गई। अब ये शादी तो हो गई, लेकिन इससे पहले जो भूत है उसने किसान को कुछ चीज़ें बताई थी, बता दिया था। उसने धीरे धीरे से क्या बता दिया था पता है? उसने कुछ बताया था कि तुम तो इस लड़की को शादी करने के लिए ऐसा ज़िद पकड़े हो कि भाई क्या ही बोलूँ, ठीक है तुम उससे शादी करो, लेकिन बहुत ही होशियार होके करना। कन्यादान के बाद कन्या के साथ तुम सुहागरात मनाने नहीं जाओगे, बोलोगे कि हमारे घर का नियम है कि जिस दिन कन्यादान होता है, कन्यादान किया जाता है, उसी दिन हम सुहागरात मनाने नहीं चलते हैं। और इसके साथ साथ और एक चीज़ है कि जिस घर पे सुहागरात के लिए वो आयोजन होता है उसके बाहर हम सोते हैं, और ध्यान रखना कि तुम सोओगे मतलब पूरा नींद में नहीं रहोगे, तुम जागे रहोगे, बाहर ही दरवाजे के बाहर ही तुम सोओगे, और निगरानी रखना। और सुबह होते ही मैं तंजाम लेके जाऊंगा। तंजाम क्या होता है, मतलब दुल्हन को लेके जाने के लिए जो भी है, तो पूरा प्रोसेशन होता है। तो भूत ने कहा कि पूरा का पूरा मैं लेके जाऊंगा, तब तुम क्या करोगे, उस लड़की के बालों को पकड़ के लेके आना, ठीक है? पकड़ के लेके आके वो तंजाम जो है वो पालकी जैसी है, तो उसमें उसको चढ़ा देना, ठीक है? और इसको भी बोल दियो कि भाई ये हमारा नियम है। तो जैसा बोला वैसे ही किया, क्यों? क्योंकि किसान ने बोला कि ठीक है भाई, तुम जैसे बोल रहे हो मैं वैसे ही करूँगा, मुझे थोड़े ना मरना है, मुझे तो मेरी बीवी के साथ घर संसार बनाना है। तो वैसे ही हुआ। कन्यादान के बाद ये जो हमारे किसान हैं, ये अपने ससुर को, अब जो ससुर बन गए, उनको बोले कि देखिए हमारे घर में यही रिवाज है, तो मैं तो सुहागरात मनाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उस कमरे के बाहर जो दरवाज़ा है वहाँ पर ही मैं सोए रहूँगा। और तो परमिशन दे मिल गया उसको अपने ससुर से। फिर पूरे रात वो वैसे ही चुपचाप पड़ा रहा, लेकिन सोया नहीं। फिर जब सुबह हुआ तो भूत क्या किया, उसके दरवाजे में आ गया तंजाम लेके, और अपने ससुर को ये किसान बोला कि ऐसे ही बाल पकड़ के अपने दुल्हन को, हमारे घर का रिवाज है कि उसको लेके जाना होता है, तो मैं इसी लेके जाने के लिए आया हूँ, तो इसको तंजाम में चढ़ाना होगा। तो जैसा बोला वैसे ही किया। अब जो ससुर हैं ये बहुत ही पुराने ख्यालात वाले थे, पुराने मतलब बहुत ही मतलब नियम जो है, आचार आचरण जो रीति रिवाज है वो मानने वाले थे। तो उसने बोला ठीक है भाई, अगर ऐसा नियम है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी जानता है कि ये जो किसान है ये दूसरे शहर से है, और ये पहला ऐसा लड़का है जो जिंदा है, शादी के बाद वो जिंदा है, तो उसने भी मान लिया। अब क्या हुआ, ये तो आ गई, भूत लेके आ गए दूल्हा दुल्हन को। अब आने के बाद ही भूत उसको कहने लगा, सुनो हम लोग 50-50 पार्टनर है ना, तुम्हारे व्यवसाय में भी है ना, तो तुम्हारी बीवी में भी मेरा 50% हक है, और एक काम करते हैं, तुम्हारी जो बीवी है उसको हम ऊपर से नीचे तक आधे आधे काटेंगे, ठीक है ना, आधा आधा काटेंगे। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा तलवार वो निकाल लिया, और निकाल के बोलने लगा कि इसको मैं आधा आधा काटूंगा, आधा तुम्हारा आधा मेरा। ये सुनने के बाद ही लड़की तो चीखने लगी, और जहाँ तक चीखा, मुंह खोला चीखने के लिए, उसके मुंह से एक बहुत बड़ा सा अजगर निकल के आ गया, और जो भूत है ना वो तुरंत उसको काट के टुकड़ों में बांट दिया।
अब क्या हुआ कि जब ये ऐसे काट काट के उसको पूरा टुकड़े टुकड़े कर दी, तो फर्श जो था वो पूरा लहू लुहान हो गया, और जो हमारी जो किसान था ना, वो पूरा ना हक्का बक्का रह गया। वो सिर्फ ऐसे देखने लगा, और जो ये कन्या थी, वो कन्या ऐसे ही, मतलब पूरा उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो गया भाई, वो ऐसे ही देखने लग गया ये क्या है क्या नहीं है। तो जो भूत है वो हंसते हुए बोला कि ये जो सांप है ना, जिसको ये सांप, ये मेरा 50% हो गया, मैं इसको ले लिया, और तुम इस कन्या को ले लो, पूरा का पूरा तुम ले लो। और फिर उसने कहने लगा कि देखो, जो भी गंदे आदतें या गंदी कुछ भी थी कन्या के अंदर, वो इस सांप के साथ ही उसका अंत हो गया है। तुम अब अच्छे से इसके साथ घर संसार करने लगो। और बोल के फिर उसने बोला, अच्छा ये देखो बच्चों, वो लड़की जो दुल्हन है, उसके मुंह से ये सांप, ये सांप से ज़्यादा ड्रैगन लग रहा है, और ये है भूत, और इसके हाथ में बड़ा सा तलवार जिसको ये मार रहा है, और ये बीच में हमारे जो किसान है। तो जब भूत ने ऐसा बोल दिया कि भाई तुम मैं तो सांप ले लिया मेरे हिस्से का, और तुम अपनी बीवी के साथ अच्छे से संसार घर संसार बसाओ, तो किसान ने बोला और तुम क्या करोगे। तो वो कहने लगा, मैं और इस लोक में नहीं रहूँगा, मैं अब मुक्ति चाहता हूँ, और मेरा जो तुम्हारा जो कारोबार है किसान भूत कंपनी का, जो आधा हिस्सा मेरा है वो भी तुम ले लो, और मैं पूरा ही तुम्हें दे दिया, और आज से ये कारोबार का 100% 100% का मालिक तुम हो गए। और ये बोल के, और वो रुका नहीं, वो भगवान की कृपा से उसको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, क्योंकि उसने अच्छा कुछ किया है। और तब जो हमारा दूल्हा दुल्हन है, किसान और उसकी जो नई दुल्हन है, वो लोग तब क्या किए, वो लोग बहुत खुशी खुशी उस भूत के जो कब्र कब्र था, उसको पूरे मार्बल से, वाइट मार्बल, श्वेत पाथोर, मतलब वाइट मार्बल से अच्छे से उसको बना के सुंदर सा उसके मेमोरी में उसको टोम्बो बना दिए। तो ऐसे ही उन लोगों का कहानी चलता रहा। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ तक ही समाप्त होता है। आज की कहानी से हम लोगों को दो सीख मिलती है। एक तो है, जब हम लोग बिना किसी प्रत्याशा के, मतलब मुझे कुछ चाहिए ये सोच के, अगर बिना इस सोच के जब हम लोग किसी को हेल्प करते हैं ना, तो भगवान के पास उसका लेखा जोखा बहुत अच्छे से रहता है, और वही चीज़ हमारे आपदा में, सही में जब हम लोग मुसीबत में पड़ते हैं, ये नहीं कि मुझे लग रहा है कि मैं मुसीबत में हूँ, लेकिन सही वाले जो मुसीबत होता है, जो हमें भी उसका आंकलन नहीं होता है, उस मुसीबत में वही सत्कर्म, वही सदाचार हम लोगों को बचाता है। ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या देखे कि भाई लड़की है ऐसे ऐसे, ये बहुत पुराने ज़माने की ये स्टोरी है, लेकिन इससे एक चीज़ ज़रूर हम लोग को सीख लेना चाहिए, ये लड़की है इसीलिए इसके ये इसमें घृणा थी ये थी नहीं, ऐसा है कि कुछ एक हो रहा था जिससे एक कंटिन्यूअस वे में एक ही काम हम लोग करते जा रहे हैं, और एक ही गलती को हम लोग दोहराए जा रहे थे। इस लड़की के साथ भी वही हुआ, इसीलिए उसका हर एक दूल्हा मर रहा था। लेकिन जहाँ तक थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा उस मोनोटोनस जो वर्क प्रोसेस है, उस सिस्टम को हम लोगों ने तोड़ दिया, थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा रुक के, जब इस किसान और उसके जो भूत फ्रेंड है, ये दोनों ने जब किया, तो जो प्रॉब्लम था उसको वो लोग सॉल्व कर लिए, जो सही मायने में जो प्रॉब्लम था उसको वो लोग लोकेट कर पाए, उसको वो लोग सही मायने में ढूंढ पाए, और फिर उसका सॉल्यूशन इजाद भी निदान भी कर लिए। तो बच्चों, कभी कभी हम लोगों को कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सोच के कर्म करना भी ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके सिंपल सॉल्यूशन से हमारे प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल पाएं। तो दोस्तों, आज तो यहाँ तक ही है, फिर मिलते हैं आज ही फोक टेल्स ऑफ बंगाल में, जहाँ पर हम इंडिजेंट ब्राह्मण एक है ऐसे, उनके बारे में हम सुनेंगे क्या वो करते हैं। तो तब तक के लिए टाटा।